हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उत्तम साथे चलो। आज एक नतून इनफॉर्मेटिव वीडियो निये चले एसेछि। जारा भूटाने जेते चाइछेन, भूटानेर जे नतून रूल एंड रेगुलेशन जे चेंज होयेछे, लाइक एसडीएफ चार्जेस कत, गाइड चार्जेस कत, कार चार्जेस कत, होटेल चार्जेस कत, इवेन कोन कोन साइट सीन करते गेले कत की चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग वीडियोटार मध्ये आसते थाकछे। वीडियोटा स्किप ना करे पुरोटा देखुन। आर जारा आमार चैनेले नतून, सब्सक्राइब करे पाशे बेल आइकनटा टिपे दिन। चलुन देखा होच्छे वीडियोते। हेलो एवरीवन, टुडे इज आवर फोर्थ डे इन भूटान। वी आर एट पारो राइट नाउ। द टेंपरेचर इज अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस। रात को और भी नीचे उतर जाएंगे टेंपरेचर्स। सो ये वीडियो बेसिकली बनाने का मतलब यही है कि हम सब जानते हैं कि भूटान का जो बॉर्डर्स था, इंटरनेशनल बॉर्डर्स रिसेंटली ओपन हुए हैं, लाइक 23 सितंबर दिस ईयर को ओपन हुआ है। इतने दिन तक वो पैंडमिक की वजह से क्लोज्ड था, तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आया है। तो वो सब चेंजेस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा कस्टम में करा देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग अगर भूटान घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जस्ट लाइक पहले जो स्टेप है, आप लोग पहले जो ट्रैवल एजेंट के थ्रू से बुकिंग करेंगे या कुछ भी, जैसे भी आप अगर खुद भी बिना एजेंसी का ट्रैवल करना चाहते हैं, भूटान में आना चाहते हैं इंडिविजुअली, तो सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा SDF। नाउ व्हाट इज SDF? SDF इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। पॉल्यूशन बहुत ही कम है, मतलब लाइक नियर टू ज़ीरो पॉल्यूशन। पॉपुलेशन भी बहुत लिमिटेड रहता है। हाँ, का गवर्नमेंट जो है वो बहुत कंसर्न है अपने सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट को लेके, तो उसी को वो लोग मेंटेन करने के लिए ये SDF का इंट्रोड्यूस किया है। ये SDF बहुत लोगों के लिए अनफीजिबल लग रहा है, क्योंकि ये जो होगा, अगर आप भूटान के अंदर में स्टे करते हैं तो पर पर्सन आपको 1200 रुपीस बेयर करना पड़ेगा। सेकेंडली, आपको जो करना पड़ेगा, यहाँ पे मिनिमम 3-स्टार रेटिंग होटल आपको बुक करना पड़ेगा। 3-स्टार होटल से नीचे जो, यानी कि जो बजट होटल्स होते हैं, वो आप नहीं ले सकते हैं। 3-स्टार आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप 3-स्टार होटल्स भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है लोकेशन वाइज, और आपके फैसिलिटी जो भी वो लोग दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम एट ऑल। थर्डली, आपको लेना पड़ेगा एक गाइड। पर डे 1000 है गाइड का फी। यहाँ पे गाइड आपको मैंडेटरीली लेना पड़ेगा। एक चीज़ जो हमको अच्छा नहीं लगा इस बार भूटान में आके, वो ये है कि जितने सारे आपके साइट सीन है सब आपको चार्जेबल। प्रीवियसली क्या है कि पैंडेमिक के आगे ये नहीं था, पैंडेमिक से पहले ये नहीं था, पैंडेमिक के बाद अभी जब भूटान बॉर्डर ओपन हुआ है, यहाँ पे हर चीज़, हर साइट सीन देखने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और वो भी पेमेंट कितना अमाउंट, 1000 इंडियन रुपीस और मुगल ट्रम, विच एवर इट इज सेम है यहाँ पे। खाली 2-3 जगह है जहाँ पे आप 300 मिनिमम दे के आप घुस सकते हैं, जैसे कि द रॉयल ताकिन प्रिजर्व है थिम्पू में, वहाँ पर पर्सन 300 रुपीस एंट्री फी है। लेकिन इसके अलावा आप जिधर पे भी जाएंगे, जो भी साइट सीन करेंगे, यू हैव टू पे 1000 bucks। ओके, दैट इज़ टू मच। और मेनली एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग जो टूर एजेंसी की तरफ से आएंगे, वो लोग आपको एक आइटनरी प्रोवाइड करेंगे। वो आइटनरी के हिसाब से आपको बहुत सारे रहेगा ऐसा, जोंग, लाखांग, गुम्फास, लेकिन हम लोग जो नॉन बुद्धिस्ट है, हम लोगों के लिए एक ही गुम्फा देखने से इट्स द सेम एवरीवेयर। वही आप अंदर जाएंगे तो हम लोगों को वो रिलीजियस इम्पोर्टेंस उतना, मतलब ऑफकोर्स अगर आप बुद्धिज्म के बारे में शौकीन हैं तो आप आ सकते हैं, बट वी आर लाइक ऑर्डिनरी पीपल के व्यू पॉइंट से सभी लाखांग, सभी जोंग
विजिट करने की कोई मतलब लाइक इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप 1000 रुपीस पर प्लेस इसको स्किप करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, पुनाखा में पुनाखा जोंग है वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें घुसने के लिए यू हैव टू पे 1000 बक्स, लेकिन उसके अंदर जो है वो आप पूरा देख लेंगे तो आपका भूटान का ऑलमोस्ट सभी जोंग के बारे में एक रफ आइडिया आ जाएगा। ये जोंग, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल जोंग ऑफ भूटान। इसका आप लोग एक काम कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप जब विजिट करेंगे तो डे टाइम रहेगा, लेकिन इसका एक खासियत है ये दो रिवर के बीच में सिचुएटेड है, एक मेल रिवर और एक फीमेल रिवर। तो आप लोग जब ये पुनाखा जोंग को विजिट कीजिएगा देन यू शुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट योर गाइड कि वो आपको इवनिंग का व्यू दिखाए। ये सभी लोगों को पता नहीं होता है, सब लोग डे टाइम में जाके घूम के आ जाते हैं, डे टाइम में उसका अलग ब्यूटी है। बट बाहर से आप जैसे कि देखो ये मैगजीन में जैसे दिया हुआ है, ये इवनिंग का व्यू है, ये इवनिंग का व्यू आपको स्किप नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके और एक बहुत इम्पोर्टेंट सा साइट सीन है पाड़ो में, दैट इज़ द टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री। टाइगर नेस्ट मॉनेस्ट्री ये पाड़ो में, पाड़ो से आप जा सकते हैं। इसमें 2000 स्टेप्स आपको चढ़ना पड़ेगा ऊपर, यू हैव टू क्लाइंब 2000 और मोर प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स। उसके ऊपर आप जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे 2000 बक्स देके, 2000 रुपीज़ देके पर हेड एंट्री फी लेना पड़ेगा। ये भूटनीस कल्चर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मॉनेस्ट्री है, क्योंकि जो शबद्रुंग थे, जो यहाँ का भूटान का लाइक भूटान जिन्होंने इन्वेंट मतलब जिन्होंने भूटान बनाया था, उनका एक होली प्लेस है वो टाइगर्स नेस्ट। अगर आप चाहे तो आप जा सकते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड फिजिकली एंड फाइनेंशियली देन यू कैन डेफिनेटली विजिट दैट प्लेस। और मेनली ये वीडियो बनाने का एक ही तरीका था कि भूटान में जो साइट सीन है वो सब चार्जेबल है। बहुत लोग जानते हैं कि चार्जेबल नहीं, आइटनरी में बहुत कुछ रहेगा, बहुत जगह कुछ देखूंगा, लेकिन वो सब चार्जेबल है। और एक चीज़ जो है ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर फूड बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत मतलब इवन बहुत एक्सपेंसिव नहीं, कंपैरेटिवली थोड़ा हिल स्टेशन में रहता ही है तो उसके हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव है। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।